यहाँ पे हो गया अपना कवर, अभी यहाँ से निकलते हैं और फोर्ट चलते हैं। टाइम हो गया है, डेढ़ बज गया है यार। एंट्री ले पर जाएगा अंदर ही अंदर, घूमते घूमते ऊपर वहाँ पहुँच गया, वहाँ मैं मिल जाऊँगा। जो ये लेक देख रहे हो ये माउटा सरोवर के नाम से है। This fort is made up of sandstone and marble. और इस fort को बनाने में 157 year लगे। तो lake आपने पीछे देखी, उसमें एक building है जिसमें एक garden type है। तो वहाँ पे 17th century में सवाई जयसिंह ने saffron garden लगाने की ट्राई कोशिश की थी खेती करने की, लेकिन वो फेल हो गई क्योंकि जो saffron है केसर है वो कहाँ पे होता है, ठंडे एरिया में होता है। भाई अंदर तो आ गए, टिकट कहाँ मिलेगी पता नहीं। अच्छा व्यू है आपको यहाँ पे मिलेगी जब आप एंटर करते हो, ये यहाँ से फिर आपको ऊपर जाना होगा। अरे भैया मारते नहीं है उसको, कुछ नहीं कहेगा वो आपको। ये जो आप पिलर्स देख रहे हो इस जगह को बोलते हैं दीवानयाम। ये राजा जयसिंह ने बनवाया था। 48 पिलर्स हैं इसमें, 16 पिलर मार्बल के हैं और बाकी जो 32 पिलर हैं वो रेड सैंडस्टोन के हैं। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये है शीश महल या विंटर पैलेस भी बोलते हैं। विंटर पैलेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इतने सारे शीशे लगे हुए हैं। यहाँ पे जब लैम्प टाइप होते थे उस टाइम के, तो उनको जब जलाया जाता था तो शीशा गर्म हो जाता था। शीशा गर्म होने की वजह से पूरा ये गर्म हो जाता था। दूसरा क्या है, इस पर जब लाइट रिफ्लेक्ट करती तो स्टार्स की तरह चमकते हैं पूरा। 1621 में इसको बनाया गया था। ये जो शीशा मंगवाया गया था ये बेल्जियम से मंगवाया गया था। साहिल हमरा क्या लिखा है, नीलो फार है, पता नहीं क्या है नीलो फार। ओके और क्या लिखा है, विशाल काजल विजय। और ये कारना में जो पक्के मजन होते हैं ना उनके होते हैं भाई। अच्छा यहाँ से कुछ दिख रहा है क्या, दिखा दूँ आपको पता नहीं। एक बंदा तो ना होना चाहिए यार फोटो वोटो के लिए, हमारा वाला बंदा भाग गया, मजा नहीं आ रहा, बोरिंग सा हो गया थोड़ा। फोटो खिंचाने के लिए बोलना पड़ता है किसी को, शिवा बहुत गलत बात है यार। वहाँ से आपको सारा व्यू दिख जाएगा। हम वहाँ जाएंगे जहाँ कोई नहीं जाता हो क्योंकि रघुम ना हो जाए कहीं। पे जाना सही रहेगा हमारे लिए। एक बात तो है भाई, बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि फैमिली वाला व्लॉग है। यहाँ पे ना छोटे छोटे कमरे मेरे को समझ में नहीं आता किस लिए बनाए।
कोई और मीनिंगलेस बात नहीं करता भाई। मैं हूँ बिल्कुल छोर पे, बिल्कुल जो इस किले का इस साइड का एंडिंग पॉइंट है वहाँ पे हम अभी निकलते हैं। मैंने ना आपको एक एक चीज जगह दिखा दी है। ओए भाई पूरा लठ बैठा है वहाँ पे, निकलने में भलाई है यहाँ से। मैं भूल भुलैया में घूमना हो जाऊँ। नीचे चलते हैं यहाँ से। Let's go। रानी सा कैसे उतरते होंगे यहाँ से इतने ऊंचे? ये नहीं है, मैं गलत जगह ना आ गया हूँ यार। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। हैं हैं दिख गए लोग दिख गए। हाँ चलो गाइड के बिना ना मज़ा नहीं आता, वही बताएगा यहाँ पे क्या चीज़ हुई है पहले क्या नहीं हुआ। यार इन कमरों में सोचने वाली बात है ना, मतलब कि क्या हिस्ट्री होगी यार, इस दरवाजे ने क्या क्या देखा होगा। मना है क्या यहाँ पे? मुझे कोई सुरंग लग रही है क्योंकि वहाँ पे रास्ता है बंद कर रखा है। सुरंग का रास्ता क्या बात है, यहाँ पे ये सुरंग का रास्ता है वे टू टनल बंद कर रखा है जो में खाना वाना बनता होगा। बाकी ये आपके लास्ट पॉइंट है, अंदर से देखते ही आपने टिकट लिया ना? हाँ जी देख जाओ खुली हुई है। आप टिकट लेंगे 8 गैलरी 8 गैलरी थी। अभी यहाँ से एग्जिट करते हैं और आई थिंक दोनों के लिए जो बच्चे हैं वो हो जाएंगे कवर। यार आप लोगों को मोटा मोटा मैं दिखा दूंगा। उपसो ये भी कोई पुरानी बिल्डिंग हुआ करती होगी पहले, अभी इस पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो ये सारी टूट गई है। ये जो टूटी हुई बिल्डिंग है इस साइड में, ये क्या पहले कुछ हुआ करती थी क्या यहाँ पे? हाँ मीना बाजार लगता था बिल्डिंग किस बिल्डिंग में? मीना बाजार लगता मीना बाजार के लिए। सुनो मेरे बात, अगर देखना चाहो तो नीचे सेकंड पार्ट है मीना बाजार। इतना डिस्टेंस कवर करने में ना हालत पतली हो जाती है भाई। मैंने पूरा कवर किया है, यहाँ से मैं गया वो वाला कवर करिए वहाँ से पूरा कवर करिए, उस पर जाएंगे फिर उस पर जाएंगे। डाल के देखते थोड़ा सा, आ जाओ डाल के देखते हैं। आना डरता क्यों, आ जा यार। फेंक दिया मैंने, फेंक के देखो आप। ओहो कहाँ पे गिरा? ये यहाँ पे गिरा है ना। अब वो गया, वो देखो उधर वो गिरा है ना। गया अभी देखो बड़े वाला, ये फेंकूंगा मैं ठीक है। सी वो देख वो गिरा, चलो ठीक है फिर बाय। हाँ